तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए या अगर आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और अगर आपको कोई नीश या माइक्रो नीश नहीं मिल रहा है, तो एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा और ये बिल्कुल फ्री है। ज़्यादा लोग इसे यूज़ नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है नीशेस फाइंड करने के लिए। और इसका एडवांटेज ये होगा आपके पास कि आपको सिर्फ वो नीशेस नज़र आएंगे जो कि प्रॉफिटेबल है, या तो जिनसे पैसे बन चुके हैं या बन रहे हैं। तो आपको करना ये है कि आपको आना है flipa.com पे। अब Flippa मार्केट प्लेस है आपके ऑनलाइन बिजनेसेस की, अगर आप खरीदते या बेचते हैं तो उसके बाइंग एंड सेलिंग के लिए Flippa यूज़ होती है। अब flipa.com पे आने के बाद आपको ब्राउज़ पे ऊपर आपको नज़र आ जाएगा वेबसाइट्स, और आपके पास ऑल वेबसाइट्स होगा। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ब्लॉग पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्लॉग्स हैं उनको आप किस तरीके से ढूंढ सकते हैं और फिर उनसे अपना एक खुद एक अपना नीश क्राफ्ट कर सकते हैं, जो कि रिलेटिवली आसान होगा रैंक करने में और उससे आपके इनकम भी रेवेन्यू भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। आप रेवेन्यू जनरेटिंग में हमेशा यस रहने दें और नो को यहाँ से अनचेक कर दें। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन बिजनेसेस रहने दें इसे। फिर वेबसाइट टाइप्स के अंदर आप ब्लॉग रहने दें फिलहाल। उसके बाद फिर आप जब इसको सर्च कर लेंगे उसके बाद फिर आप दूसरी कैटेगरीज में जंप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मेन जो चीज़ देखनी है हर एक के अंदर, मतलब जो भी आप सर्च करेंगे, अगर ब्लॉग कर रहे हैं या ई कॉमर्स की वेबसाइट या ड्रॉपशिप की वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, उसमें आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, आपको एज रखनी है 0 months से लेकर 1 year। अब यहाँ पे सिर्फ वही लिस्टिंग्स शो होंगी जो वेबसाइट्स जिन लोगों ने अपनी बेचने के लिए लगाई हुई है, यहाँ पे सेल करने के लिए लगाई हुई है, वो 1 साल के अंदर अंदर ही बनी है और उन लोगों ने कंटेंट से, मतलब अपनी वेबसाइट से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। बाकी प्रॉफिट मल्टीपल, रेवेन्यू मल्टीपल आप रहने दें। अच्छा, अथॉरिटी स्कोर में आप इसे रख दें 20 या 10, मैं फिलहाल 20 रखूँगा। अथॉरिटी स्कोर का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर डोमेन पे कितने ज़्यादा बैकलिंक्स हैं या रेलेवेंट बैकलिंक्स हैं, उससे आपकी डोमेन की अथॉरिटी बढ़ जाती है। बाकी आप चीज़ें सारी नीचे ऐसे रहने दें। अब ये आप जब अपनी लिस्ट फिल्टर कर लेंगे तो आपके पास यहाँ सारी लिस्टिंग्स आ जाएगी। अब आप यहाँ से स्क्रॉल करते रहेंगे और आप देखेंगे कि आपको कौन सा नीश ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। अब एक मुझे नज़र आ रहा है पिकल बॉल यार्ड। ये स्लोवाकिया की वेबसाइट है, मतलब किसी स्लोवाकिया के बंदे ने बनाई है और ये डिमांड कर रहे हैं 5000। अब आप देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना एक वेबसाइट बना रही है। इस वेबसाइट को 1 साल भी नहीं हुआ है लेकिन इसका नेट प्रॉफिट है $186 पर मंथ, जो कि काफ़ी अच्छा है 1 साल से कम की वेबसाइट के लिए। उसके बाद आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे आके, फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखेंगे 8 month old Amazon affiliate वेबसाइट विथ YouTube चैनल मेकिंग $230 पर मंथ ऑन एवरेज 3 months इन नेट प्रॉफिट। ये Amazon affiliate की वेबसाइट इन लोगों ने बनाई हुई है, तो इन लोगों ने जो मोनेटाइजेशन की है वो अपनी Amazon से की है। आप इसी तरीके से AdSense के भी आपको नज़र आ जाएंगे अगर आप फिल्टर करेंगे। मैंने फ़िलहाल अभी इसे बिल्कुल जेनेरिक रहने दिया है। इसके अलावा फिर आप नीचे आते जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा इसमें नीशेस नज़र आ जाएंगे कि आप क्या अपने लिए बना सकते हैं। या तो जैसे ये है लिमिट हेयर लॉस का, मगर जाहिर सी बात है कि थोड़ा कंपेरेटिव नीश होगा। इसी तरीके से ये एक है हाउस कडल 7 month old होम एंड गार्डनिंग साइट ऑलरेडी जनरेटिंग प्रॉफिट्स एंड रेडी टू एक्सपैंड टू अ फुली फ्लेज्ड बिजनेस। ये प्रॉफिट इतना कुछ अभी अर्न नहीं कर रही है तो आप इसे छोड़ दें। इसके अलावा फिर आप नीचे और जाएंगे तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे, फिर आपको और थोड़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी यहाँ पे। ब्लॉगिंग ओवर ब्रेकफास्ट और गोल्फ प्रो गाइड्स, ये है वाइड वर्ल्ड ऑफ बिलियर्ड्स, इसका भी नेट प्रॉफिट अभी स्टार्ट ही हुआ है 6 months और यहाँ से नेट प्रॉफिट इधर यहाँ पे शुरू हुआ है $20 पर मंथ का। इसके अलावा आप दूसरी एक चीज़ ये और कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा
लिस्टिंग्स नहीं नज़र आ रही तो आप फिर दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रिव्यू का आपने सेलेक्ट कर दिया तो जहाँ मुझे लिस्टिंग 52 नज़र आ रही थी अब 57 आ गई। थोड़ी और अगर आप समझते हैं कि आपको इनके अंदर नीशेज नहीं मिल रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन फिर ये होगा कि आप अथॉरिटी स्कोर को 20 रहने दें, लेकिन आप एज 2 ईयर्स कर दें। 1 से 2 साल की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके आप नीशेज निकाल सकते हैं आराम से। अब ये है एक, ये काफ़ी अच्छा नीश लग रहा है, प्रिंटर नॉट प्रिंटिंग। ये इस तरीके के आपको नीशेज ढूंढने हैं यहाँ पे आके। अब ये आप वेबसाइट देख रहे हैं प्रिंटर नॉट प्रिंटिंग, इसमें है एस्टैब्लिश साइट इन द प्रिंटर नीश, गुड अथॉरिटी इन द नीश, इजोइक अप्रूव, इजोइक पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, जैसे गूगल एडसेंस है या मीडिया वाइन है या एटसेट्रा, इस तरीके से एडसेंस अप्रूव्ड, करंट अर्निंग्स 265, 6 months 172, 117 नेट प्रॉफिट इसका मंथली जा रहा है $108 पर मंथ का, 98% इसका प्रॉफिट मार्जिन है। अब मैं ये, मुझे वेबसाइट इसीलिए अच्छी लग रही है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी इस्तेमाल कर रहे होंगे ये लोग, और दूसरा इस वेबसाइट पे इतना कंपटीशन नहीं होगा। अब ये देख रहे हैं प्रिंटर नॉट प्रिंटिंग, ये काफ़ी ज़्यादा माइक्रो नीश है, इज़ योर प्रिंटर नॉट प्रिंटिंग, ये इनका मेन कीवर्ड है। अब इस पे इन लोगों ने एक पूरी माइक्रो नीश वेबसाइट बनाई है जिसमें प्रिंटर रिव्यूज़ आ गए, फिर प्रिंटर के ब्रांड्स आ गए, प्रिंटर इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं प्रिंटर्स के अंदर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, आप गूगल की मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने लिखी है। आप या तो गूगल के अंदर आके ऑटो कम्प्लीट फीचर यूज़ करके भी सर्च कर सकते हैं, दूसरा आप Ahrefs के अंदर भी फ्री जो उनका कीवर्ड एक्सप्लोरर है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। Is your laser printer prints black streaks? Prints black streaks? Try these fixes. ये long tail keyword है। इसके अलावा the printer could not connect to web services. Fix for HP instant printers. ये भी एक long tail keyword है। How to fix printer not scanning to computer? या why is my printer printing blank pages? ये सारे वो keywords हैं जो आपको easily Google के auto complete से मिल जाएंगे या तो आपको Ahrefs के अंदर मिल जाएंगे। अब इस तरीके से जो आप ये देख रहे हैं कि ये वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप रैंक कर सकते हैं, मतलब अगर आप इस तरीके से एक प्रिंटर के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, जिस तरह ये नीश माइक्रो नीश है प्रिंटर नॉट प्रिंटिंग, इन कीवर्ड्स पे रैंक करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप कोई नीश सेलेक्ट करें थोड़ा ब्रॉड नीश। आप जितना उसको नैरो डाउन करते जाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड ऑफ बिलियर्ड्स, लेकिन ये 23-year-old एज डोमेन है तो मैं ऐसे अवॉइड कर दूंगा। गोल्फ प्रो 1-year-old गोल्फिंग वेबसाइट है ये, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर द पास्ट मंथ्स, 20 months का इसका प्रॉफिट है। तो आप दो चीज़ों में आप फोकस कर सकते हैं फ्लिपा पे आके, या तो आप एक वेबसाइट कितना अर्न कर रही है, उसका रेवेन्यू कितना है और रेवेन्यू के बाद उसका नेट प्रॉफिट कितना है, सारे एक्सपेंसेस निकाल के आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो ये देनी चाहिए कि आप अथॉरिटी स्कोर 20 रखें और एज इसकी 1 या 2 साल रखें। और एक और चीज़ पे आपको ये ज़रा आपको ज़्यादा फोकस करना होगा कि वो नीश कितना ज़्यादा स्पेसिफिक है या नैरोड है या नहीं है। अगर तो बहुत ही जेनेरिक नीश है तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ फ्लिपा पे, इस पे आने का मकसद ये होता है आपका कि आप वो नीशेस ढूंढें यहाँ से जिस पे आपको लगता है कि आप कंटेंट लिख भी सकते हैं। दूसरा ये एक प्रूवन कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि वेबसाइट अर्न कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इस नीश के अंदर प्रॉफिट है। आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपको उसी से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी होगी, उसी नीश के अंदर कीवर्ड्स अपने चूज़ करने पड़ेंगे और फिर उस पर कॉन्टेंट ऐड करना पड़ेगा डेली। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो वीकली कम से कम 3 बार या 4 बार वेबसाइट पर कंटेंट लिखें। अब ये कोई पाकिस्तान से ही बंदा है जिसका नेट प्रॉफिट है $200 पर मंथ, हंटिंग विज इज अ रिव्यूज बेस्ड अमेजॉन अफिलिएट वेबसाइट मेकिंग $300 पर मंथ ऑन एवरेज सिंस लास्ट 6 months, पिछले 6 महीने से। अब ये अमेजॉन अफिलिएट की वेबसाइट है ये, तो मतलब ये लोग जो मोनेटाइज कर रहे हैं वेबसाइट, ये सिर्फ अमेजॉन से कर रहे हैं, इस पे पेपर क्लिक कोई नेटवर्क नहीं लगा है। तो अगर आप, अब मैं अगर यहाँ पे आके देखूं कि huntingwiz.com इस बंदे की वेबसाइट है, ये बायनोकुलर्स पे है, बायनोकुलर्स दूरबीन पे है, डेडिकेटेड टू ऑप्टिक्स लाइक बायनोकुलर्स, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा माइक्रो नीश कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि ये सिर्फ बायनोकुलर्स पे है, दूरबीन पे एक नीश बना हुआ है। 6 best binoculars अंडर $400, $300 आर बायनोकुलर्स अलाउड इन बुर्ज खलीफा, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है।
आर बायनोकुलर्स लीगल इन गोल्फ डीबंकिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस कैन बायनोकुलर्स सी थ्रू कर्टन्स विंडोज फ्रॉस्टेड ग्लास कैन यू यूज बायनोकुलर्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज. इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इन लोगों ने अपने आर्टिकल्स पोस्ट किए हुए हैं. ये क्योंकि एक माइक्रो नीश है तो इस पे रैंक करना आसान होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा. अब आप अगर ये वेबसाइट देख रहे हैं हंटिंग विज, इसका मंथली प्रॉफिट है $200. पेज व्यूज इसके यहाँ पे दिखा रहा है जिस बंदे की ये लिस्टिंग है 2465, और इस वेबसाइट को एक साल हुआ है. तो अगर एक वेबसाइट को बना के एक साल के अंदर $200 पर मंथ का प्रॉफिट हो रहा है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये इंक्रीज़ भी हो सकता है जैसे जैसे आप कंटेंट ऐड करते जाएंगे वेबसाइट में, और जैसे जैसे आप ज़्यादा मोनेटाइज करना शुरू करेंगे वेबसाइट को और दूसरे चैनल्स यूज़ करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए. तो आप फ्लिपा पे आ सकते हैं, flipa.com पे, और आप ये स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं. आप डोमेन एज एक साल से दो साल रखें और डोमेन अथॉरिटी 10 या 20 के अंदर रखें, और फिर यहाँ पे आके आप लिस्टिंग्स को ब्राउज कर सकते हैं. उसके बाद आपको जो भी नीश सूटेबल लग रहा है, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि कोई माइक्रो नीश में आप जाएँ, जिस तरीके से ये बायनोकुलर्स पे एक वेबसाइट है, या पिकल बॉल यार्ड है, या प्रिंटर की जो मैंने आपको बताई प्रिंटर और प्रिंटिंग, इस तरीके से आप अपने नीशेस चूज़ कर सकते हैं. और ये सारे प्रूवन नीशेस हैं क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नीशेस हैं. तो आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि यार मेरी इनकम यहाँ से बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे प्रूवन कॉन्सेप्ट्स हैं. फ्लिपा पे अगर एक वेबसाइट पे अगर कोई किसी ने अपनी लिस्टिंग लगाई है वेबसाइट की, तो दैट मीन्स के वो वेबसाइट पे प्रॉफिट हो रहा है, अगर उन लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि मंथली प्रॉफिट हमारा इतना हो रहा है. तो ये एक तरीका है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं. ये एक अच्छा तरीका होगा आपके लिए अगर आप नए नए ब्लॉगिंग पे आएँ. और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू.